अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। संडे का दिन है और सुबह का टाइम है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और संडे को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जिस दिन ये वीडियो आएगी उस दिन संडे होगा नहीं बेसिकली। और ये है सुबह का ब्रेकफास्ट, दाल का पराठा, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो कमेंट डाउन। ओके, तो ये है मंडे का दिन, जिस दिन मैं जा रही थी प्रैक्टिकल देने के लिए, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल यहाँ से बहुत दूर होते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में होते हैं। तो मैं अपना प्रैक्टिकल देने जा रही थी, तो मैंने आप लोगों के लिए ये व्यू कैप्चर किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे साथ साथ आप भी देखो। और बहुत प्यारा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि सर्दी हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़ों के डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ, क्लॉथ डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट फ्रॉक है जिसकी स्लीव्स आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक स्टाइल है। अगर आप बनवाना चाहें तो मैं इसका ट्यूटोरियल भी दूँगी। एंड नेक्स्ट है जो कि मैंने खुद ने डिज़ाइन की है, बट मैंने ये दराज से ऑनलाइन ऑर्डर की है। अगर आपको लेनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी। एंड ये वाली जो है ये मिकी माउस प्रिंट है और ये ओपन फ्रॉक है, ओपन शर्ट फ्रॉक, लेकिन साइड में इसके कट है और इसकी जो नेक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्पेशली इसकी बाजू बहुत ही ब्यूटीफुल है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस में इन क्लॉथ्स में से कुछ भी थोड़ा सा भी बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि एक व्लॉग बनाने के पीछे कितने ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं ये सिर्फ़ यूट्यूब की जो वीडियो बनाने वाले हैं वही समझ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें लगे कि कोई तो हमारी मेहनत को सराहा रहा है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी, वॉइस का इशू होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दिस। और नेक्स्ट जो अभी शर्ट आएगी वो विंटर के हिसाब से है, बहुत ही प्यारा कपड़ा है और इसकी मैंने एक शॉर्ट शर्ट बनवाई है, आप इसे नाइट शर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि आप पहनना चाहे तो आप इसे किसी भी जीन्स की पैंट के साथ भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको नाइट सूट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, बट मैंने इसको जीन्स के साथ कैरी करने के लिए बनाया है। तो बेसिकली मैंने खुद डिज़ाइन की है, खुद ही बनाई है। आई नो इसमें डिज़ाइन करने जैसा कुछ नहीं है, बट कपड़ा वगैरह सब कुछ मैंने सेलेक्ट किया है। सो अगर ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसी बात पे एक लाइक कर दें वीडियो को। और जो नेक्स्ट है वो भी इसी से सिमिलर है, बस वो थोड़ी लॉन्ग है और आप उसको कोट टाइप शर्ट बुला सकते हैं। तो ये भी कपड़ा वही सेम है, बस प्रिंट चेंज है, बट ये भी बहुत अच्छी लग रही है। और इसके नीचे मैंने जो येलो कलर की लेस लगाई है वो तो बहुत ही, मतलब कहीं से भी मिल जाती है शॉप्स वगैरह पे, आप सबको पता ही होगा। फुल स्लीव्स रखी हैं इसकी मैंने और एंड तक मैंने इसके बटन लगाए हैं। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं, कौन क्या कर रहा है। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, मेरे अपनों को भी। एंड अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी खुश रखे। और ये एक श्रग है जिसको काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि श्रग क्या होता है, लेकिन जिन जिन को नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि श्रग एक बेसिकली जैकेट टाइप होती है, बट उसमें बटन्स वगैरह नहीं होते हैं। तो आप इसको चाहें तो किसी भी सूट के साथ कंबाइन करके पहन सकते हैं, कंट्रास्ट करके पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको शर्ट, शॉर्ट शर्ट और जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। और ये ऊपर से पहनी जाती है और यही सेम कपड़ा है शेनिल का और प्रिंट चेंज है, तो मैंने एक दूसरी भी बनवाई है। और इसके नीचे जो मैंने लेस लगाई है वो लेस भी मैंने वही वाली लेस लगाई है जो येलो कलर में थी, बस कलर चेंज है। और ये भी आपको कहीं से भी मिल जाएगी, किसी भी लेस वगैरह वाली दुकान पर मिल जाएगी इजीली। और इसके बाद जो नेक्स्ट शर्ट है, अगर आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ करेक्ट मी, लेकिन मैंने इसको यही सोच के बनाया है, कपड़ा बहुत कम था तो मैंने इसको कस्टमाइज़ किया है कपड़े को। तो मैंने बेसिकली बटरफ्लाई फ्रॉक बनाई है। आई नो वो कैप फ्रॉक या बटरफ्लाई फ्रॉक दूसरी होती है, लेकिन मैंने इसको बेसिकली जैसे कहते हैं चार कोनों वाली और बीच में सिलाई लगा के बनाते हैं। मुझे नहीं पता इस फ्रॉक को एग्जैक्टली कहते क्या हैं, बट अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। और उसके बाद जो मैंने शर्ट बनाई है वो है
कॉटन का कपड़ा है और इसके अंदर जो कलियां हैं वो लीलन की हैं, और मैंने कॉलर कफ वाली फ़्रॉक बनाई है क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसी फ्रॉक्स बहुत अच्छी लगती है जिसमें कॉलर हो और कफ हो, क्योंकि मुझे कफ बहुत पसंद है। तो इसके अंदर ये नीचे से ओपन है, बीच में कलियां लगाई हुई हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करें और बहुत सारा प्यार दें। और मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि अगर आपको रूम टूर चाहिए तो मैं आपको रूम टूर भी दूंगी, लेकिन प्लीज़ कमेंट करें। और मैंने अपना रूम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्यार से सजाया है, और ये एक लॉन्ग कुर्ती टाइप है, आप इसको किसी भी फंक्शंस वगैरह पे, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न ही है, तो आप उसमें पहन सकते हो। और नीचे आप इसको कोई सी भी अपनी मनपसंद लेस लगा लो, और चीता प्रिंट तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको कहीं से भी ये कपड़ा मिल जाएगा। और इसके बाद जो है वो प्योर कॉटन है, और सॉरी फॉर दिस क्योंकि ये प्रेस नहीं है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये पाइनएप्पल प्रिंट है, और इसकी मैंने साइड ओपन साइड कट में फ्रॉक बनवाई है, और जो नेक है वो बे नेक डिज़ाइन है, जिसमें जिसको जो है डीप नेक पहनना पसंद नहीं है, बट काफ़ी मतलब ऐसा होता है कि वो हमारे सर से अंदर घुसती नहीं है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एक तो डीप नेक से भी वो बच जाते हैं, और दूसरा ये कि गला भी आसानी से आ जाता है। और ये सेम वही कपड़ा है प्योर कॉटन का, बट इसको इसका जो है प्रिंट चेंज है, खजूर प्रिंट है इसके अंदर, और इसको मैंने ओपन बनवाया, साइड में दो कट लगवाए हैं, और जो नेक डिज़ाइन है वो तकरीबन आप लोगों ने देखा होगा जो नाइट सूट्स आते हैं सिल्क के, तो उनमें जो है ऐसा नेक डिज़ाइन बना होता है, तो बहुत इजी है ये नेक डिज़ाइन बनाना, और ये डिज़ाइन भी थोड़ा यूनिक है। और ये शर्ट है जो कि मैंने सीधी सीधी शर्ट बनाई है, आप इसको जीन्स के साथ या ट्राउज़र के साथ पहन सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस में से कोई भी क्लॉथ अच्छा लगे, आपने ट्राई किया है, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आप सब खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।